इजराइल ने हमास के हमले के बाद गाजा में अपने आक्रमण का नेतृत्व करने के लिए 26 फीट लंबा बख्तरबंद बुलडोजर तैनात कर दिया है। ये बुलडोजर गाजा सीमा पर खड़े 360,000 इजरायली सैनिकों के आगे आगे चलकर रास्ता बनाएगा। हमास के हमले में 1300 से अधिक नागरिकों के मारे जाने के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने बदला लेने के लिए अपनी पूरी सैन्य शक्ति झोंक दी है। इजरायल ने गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी भी कर दी है। ऐसे में घनी आबादी वाले इस इलाके में रास्ता बनाने के लिए इजरायल को अपने महाशक्तिशाली बुलडोजर से बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। ये बुलडोजर गाजा पट्टी की घनी आबादी में भी आसानी से अपना रास्ता बना सकता है। इजरायली सेना के शस्त्रागार में शामिल इस बुलडोजर का नाम D9R है। D9R बख्तरबंद बुलडोजर में 15 टन का अतिरिक्त कवच लगा है। इसे डूबी या टेडी बियर के नाम से भी बुलाया जाता है। ये वही बख्तरबंद बुलडोजर है जिसे देखते ही हमास के आतंकवादी सहम जाते हैं। ये बुलडोजर इतना शक्तिशाली है कि इस पर AK-47 तो छोड़िए रॉकेट और RPG हमले का भी कोई असर नहीं होता है। बारूदी सुरंगों और स्नाइपर के हमलों का भी इस बुलडोजर पर कोई असर नहीं होता है। ये गाजा पट्टी की घनी आबादी वाले इलाकों में मौजूद गलियों की भुलभुलैया को मात देते हुए बहुमंजिली इमारतों को तोड़कर आसानी से सीधा और सपाट रास्ता बना सकता है। इजरायल ने D9R बख्तरबंद बुलडोजर को पहली बार 1950 के दशक में तैनात किया था। तब इसका इस्तेमाल टैंकों और सैनिकों के लिए रास्ता साफ करने और बारूदी सुरंगों समेत हर तरह के विस्फोटकों को नष्ट करने के लिए किया गया था। हमास के गढ़ तक पहुंचने के लिए इजरायली सेना को कई रक्षात्मक सुरक्षा चौकियों को तोड़ना होता, जिसमें बारूदी सुरंगें, मोर्टार और टैंक रोधी हथियार शामिल हैं। 62 टन वजनी इस मॉन्स्टर बुलडोजर में चालक दल के 2 सदस्यों को स्नाइपर और मशीन गन की आग से बचाने के लिए बुलेट प्रूफ ग्लास लगा है। इसे एक ग्रेनेड लॉन्चर, एक माउंटेड मशीन गन इंस्टॉलेशन या यहां तक कि एक स्मोक प्रोजेक्टर से भी लैस किया जा सकता है। D9R को रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड के खिलाफ अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2015 में स्लैग कवच के साथ अपग्रेड किया गया था। ये बुलडोजर अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम है। ये खाया भी खोद सकता है और पुल भी बना सकता है। इजरायली सेना में शामिल इस बुलडोजर की कीमत 739,000 पाउंड है। बाद में इजरायली विशेषज्ञ इसे कई तरह के विशेष आर्मर के साथ लैस करते हैं। इससे बुलडोजर का वजन भले ही बढ़ जाता है, लेकिन इसे अपने खिलाफ सभी तरह से हथियारों से सुरक्षा मिल जाती है।